एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। 11:30 बज गई है और ये हमारे भाई एजे जो कि हम जा रहे हैं अभी गांव में, और आज वोटिंग का टाइम है जो भी गांव में वोट डालने के लिए जा रहे हैं हमारे अजय भैया और हम अभी क्यों जाकर डालें टेस्ट। तो ऐसे भी नहीं डाल सकते भाई, मैं नहीं डाल सकता क्योंकि मेरी उतनी एज नहीं है, एक साल मारो घटी रहो इन्हें, भैया डाल सकते हैं हमारे। अभी जाके डालेंगे, किस पर डालना है तो उनमें से हमें पहले तो सोच समझ के देना पड़ेगा कि किसे देना है हमें वोट। तो मैं आपको आगे का सीन दिखाऊंगा जाके कि क्या वहाँ पे स्थिति चल रही है, सरपंच के क्या हाल है। सर मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई जो हार गया सरपंच की 12 बज जाएगी, क्या ये आपका क्या कहना पड़ रहा है। शाम को ही पता चलेगा क्योंकि जो जीतेगा भाई उसको तो मजा आया। जो हारा लगता है उसकी एल लगेगी। तो फिलहाल अभी हम गांव में आ चुके हैं और यहां से अभी जाना है हमें, गांव से कुछ किलोमीटर दूर जाना है, वहां पे वोटिंग हो रही है। तो वहां जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या सीन है। यहां से हमारे दो बंदे और आएंगे जो कि एक तो उन्हीं के हैं, गांव के ही है, तो उन्हें भी ले जाना है। फिर देखते हैं कि आगे का सीन क्या है। जो कि भीड़ अभी आती जा रही है। अभी हम आ गए हैं उस लोकेशन पर जहाँ पे वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारे अजय भैया जो कि बहुत ही टेंशन में है। किसको वोट देना और किसको नहीं, क्यों वो सोच रहे हैं पहले कि भाई किसको वोट देना और किसको नहीं, पहले बैठ के हम सोचेंगे फिर डिसाइड करेंगे कि हमारे गाँव से डिसिपेट किया है तो पहले तो हम सोचेंगे कि किसे देना चाहिए, फिर उसके बाद जाके पिक्चर बनाएंगे। तो ये हमारे जी और उधर छगन हमारे राहुल भैया, मैं आपको उनसे दर्शन करवाता हूँ, राहुल भैया के दर्शन करवाता हूँ मैं आपको। जो कि अभी 11:30 बज चुकी है तो उतनी भीड़ नहीं है, 7-8 बजे ज़्यादा भीड़ थी। गाइस पब्लिक यहाँ पे आती जा रही है और हमारे दो आदमी इधर बैठे हैं जो कि वहाँ पे हमारे गांव के दो बंदे गए थे तो उन्हें वापस भगा दिया गया था। यहाँ ये छोरे मोबाइल मत ले जा, बोले उधर मत जा, यहाँ मोबाइल भी ले जा। हाँ डालिया पूरा हमें बाड़ा कई कौन दे रहा है इसके। गाइस तो आप देख सकते हो पब्लिक इधर बहुत ज़्यादा आ रही है और ये हमारे कपिल भैया जरा इधर तो गाइस मामला बहुत ही सीरियस है। यहाँ पे सरपंच उनकी वाट लगी पड़ी है क्योंकि दोनों सरपंच टेंशन में चल रहे हैं, ऐसा लगने से तो ऐसा ही लग रहा है। और इधर सतीश्वास कर ले बहुत ही बिंदास झींगा लाला शर्ट निकाले हुए घूम रहे हैं, नेतागिरी बोलते। तो गाइस हमारे ये जो भैया आ गए वोटिंग करके, जो चुनाव वो बता दे क्या डाल दिया मैंने, क्यों उंगली में गाइस ये सब डाल दिया कहीं ओ भाई से कसा पैड़ी को चारा नहीं आता उचारिया कर डाल के आ गए हैं तो शाम तक रिजल्ट पता चल जाएगा कि क्या होगा कहीं। हां करिए बनते करिए चल 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 यार हेडपंप पानी चला रहा है नहीं अरे चल बाहर आगे जाते हैं गाइस यहां पे नहीं बैठते यहां से निकलते हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं वापस घर की ओर। अभी तो वोट डालेगा आपको इन्हें पूछा भी नहीं हमारे भैया जो कि बहुत ही गुस्से में जब पहले नहीं पूछा था अभी और काहे को पूछ। अभी जा रहे हैं हम घर की ओर, शाम को रिजल्ट पता चल जाएगा 3 बजे तक, फिर आपको देखने को मिलेगा कि क्या है शाम का माहौल। तो जा रहे हैं हम गाँव की ओर, ये जैसे अरे उल्टा पूरा हुआ क्यों, बहुत ही उल्टा गपला कर दिया पुलिस वाले चाचा ने। हमारे पुलिस ऑफिसर आते हुए कड़वे आते हुए कड़वी हम तो अच्छे से रह रहे थे भाई, पर पुलिस वालों ने गपला कर दिया। ये मेरा चुनाव चिन्ह कहाँ है यार, ये देख लो का चुनाव चिन्ह देख लो, ये है छोटा पर दिखता है बड़ा धमाका करता है। चलना चल जाओ गाइस, यहाँ पे मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है
और नींद आने के बहुत ही चांस बढ़ रहे हैं हमारे। अब हम जा रहे हैं घर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं सही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।